जय श्री महाकाल मित्रों, एस्टूशन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज देवाधिदेव महादेव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हनुमान, बजरंग बली, केसरी नंदन, शंकर सुवन, मारुति नंदन, अंजनी पुत्र, रामदूत, महावीर, पवन पुत्र आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसी देवशक्ति है जिसके नाम को जपने मात्र से आप सभी कष्टों, संकटों, व्याधियों से छुटकारा पा जाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। महावीर हनुमान जी कलयुग की एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई भी बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो हनुमान की शरण में गए उन्हें किसी अन्य शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ भले ही भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे, पर रथ पर ध्वजा रूप में आरूढ़ श्री बालाजी उस रथ की रक्षा स्वयं कर रहे थे, उसे संभाल रहे थे। इनके जप मात्र से कोई भी ग्रह दोष, पितृ दोष, भूत पिशाच, तंत्र मंत्र व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकते। जो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का निरंतर जप और स्मरण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो सुखी और ऐश्वर्यवान जीवन यापन करता है, धनवान बनता है। वो चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। इस चौपाई से सभी संकटों विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है। आप नित्य ओम हम हनुमन्ते नमः का सुबह उठते ही 11 बार और शाम को शयन करने से पहले 11 बार जाप करें, आपके जीवन में बहुत ही शानदार परिवर्तन आएंगे, आपको हर तरफ से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा।